शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा। शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा। अक्षर अक्षर ज्योत जले मन को देता उजियारा। शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा। सीखो सा समय के चलना, सीखो आज से लिखना पढ़ना। हाँ, सीखो आज से लिखना पढ़ना। होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान। होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान। जभी जागे तभी सवेरा। नहीं अंधेरे में अब रहना, नहीं अंधेरे में अब रहना। तुझे बुलाए नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह। आ गए मामा, मैं अपने क्लास में फर्स्ट आई हूँ। देखो देखो इसमें क्या लिखा है। मैं इसे देखकर क्या करूंगी, मुझे पढ़ना थोड़ी आता है। तू पहले नंबर पे आई है, ये बहुत अच्छी बात है। अरे शाबाश बेटी, तू पहले नंबर पर आई है। नंदा दर्जे में हर बार पहले नंबर पर ही आती है। अरे नंदा, बबलू और रामू कहाँ है? उसका भी तो नतीजा निकला होगा ना। हाँ माँ, पास हो गए दोनों ही, आते ही हो गए। अरे बेटी, क्या पास किया? आठवीं, अब मैं नवीं में जाऊंगी, दूसरे स्कूल में। दूसरे स्कूल में, वो क्यों? हमारे स्कूल आठवीं तक की, आगे की पढ़ाई के लिए हमें विलासगढ़ जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बेटी, हमारे स्कूल से पास कर लिया इतना ही बात है, हमारे यहाँ तो इतना भी किसी ने नहीं पढ़ा। नहीं बाबा, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है। नहीं बेटे, इतना ही काफी है। अब हमारे गाँव की जो वो मुखिया है, उसकी बेटी हमारे स्कूल में पढ़ के घर में ही रहती है ना, लड़कियों के लिए इतना ही काफी है बेटा। अब तुम्हारी माँ को देखो ना, वो तो कुछ भी नहीं पढ़ी। नहीं बाबा, मुझे पढ़ना है। जिद करती है तो पढ़ने दो ना आगे। अरे तो कहाँ से पढ़ने दूँ, पढ़ाई में खर्च होते हैं। आठवीं तक तो सब मुफ्त है, उसके बाद पढ़ाई का खर्च, स्कूल का खर्च, विलासगंज जाने जाने का खर्च, ये सब पैसे कहाँ से आएंगे? लो ये ब्याज ला दो अपना रिपोर्ट। दीदी मैं पास हो गया। माँ, रामा एक विषय में फेल है। रामा फेल हो गया? मतलब उसको प्रमोशन दिया है, पास है। पा, मैं पांचवी में गया और रामू तीसरी में। अच्छा, लो अब इन दोनों का भी तो खर्चा बढ़ गया। बच्चे पास हुए हैं, इसकी खुशी नहीं है तुम्हें? खुशी है सीता, लेकिन ये खर्चा बढ़ाने की औकात है क्या? बेटा नंदा, तू अंदर जा, भूख लगी होगी ना तुम लोगों को, कुछ खा लेना। सुनो जी, अपनी नंदा पढ़ाई में बहुत तेज है, उसकी पढ़ाई मत रोकना, आगे पढ़ेगी तो उसकी जिंदगी बनेगी। देखो सीता, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी बने, लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होता है, हमारे पास है ही क्या? थोड़ी जमीन बेच दो। पागल हो रही है, जमीन बेच दो? जमीन बेच देंगे तो खाएंगे क्या? उससे तो साल भर का अनाज भी नहीं होता हमारा। तो ऐसा कब तक चलेगा? भगवान जाने, पिछली बार बीज के लिए कर्ज लिया था, उसका ब्याज अभी तक चल रहा है। सोचा इस बार फसल अच्छी होगी तो बेच कर चुका दूंगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब तकदीर में जो लिखा है वही होगा, फिक्र करने से मुसीबत कम थोड़ी ना हो जाएगा। अब बच्चों के बारे में तो सोचना ही होगा। हाँ वो तो सोचना ही होगा। एक काम करते हैं, तीनों पास हुए हैं, कहीं घुमा फिरा दो, खुश हो जाएंगे। हाँ ये कुछ ढंग की बात की तुमने, चलो घूमने चलो, तुम भी चलो ना, चलो। ये शाम को आते वक्त जरा मंदिर होते हुए आएंगे। हाँ। मिठाई ले लेना। राम राम गुरु जी। राम राम। अरे मोहन, ये पूरा परिवार किधर जा रहा है? जरा यूं ही घूमने जा रहे हैं, बच्चे पास हो गए ना तो सोचा इनको जरा घुमा दूंगी। अरे भाई मोहन, तुम्हारी बेटी नंदा ने तो कमाल ही कर दिया,
पूरे 90% नंबर लाई है। सब आपकी कृपा है गुरु जी। हाँ वो तो है। अच्छा ये बताओ इसका दाखिला आप कहाँ करा रहे हो? बस गुरु जी इतना काफी है। ये क्या कह रहे हो मोहन? नहीं नहीं इसे और पढ़ाओ, ये बहुत ही होनहार बच्ची है। गुरु जी बाबा को बोलो ना हमें आगे और पढ़ाए। गुरु जी वो आगे पढ़ाने से तो खर्चा और बढ़ेगा ना। मोहन खर्चा तो बढ़ेगा लेकिन अगर ये नंदा पढ़ना चाहती है इसे जरूर पढ़ाना। लेकिन खर्चा बढ़ाने की हमारी औकात कहाँ है गुरु जी? इसके लिए सरकार वजीफा देती है, मैं सिफारिश कर दूंगा। वजीफा? वो क्या होता है? अरे वजीफा का मतलब है बच्चों की पढ़ाई का सरकारी खर्च, और फिर जब तुम इसे पढ़ाओगे तब तो मिलेगा ना। देखेंगे गुरु जी अभी चलते हैं। राम राम। चलो चलो बेटे चलो। मोहन इसकी पढ़ाई बंद मत करना, इसको आगे जरूर पढ़ाना। कितना सुंदर फ्रॉक है, पिताजी मेरे को एक खरीद कर दो ना। ऐसी फ्रॉक तो मैं भी बना सकती हूँ, क्यों पैसे बिगाड़ रही हो? हाँ बेटी ये तो आपका काम है, तुम्हारी माँ आसानी से बना सकती है। जी नहीं ये इतना अच्छा नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, तुमने कहाँ बनाया? हमने तो घर पे ही बनाया है। क्या तुम यही काम करती हो, कुछ और नहीं करती? सर इससे फुर्सत ही नहीं मिलती है, और क्या करें। वो खेतीबाड़ी नहीं करती? खेतीबाड़ी करते थे, उससे पूरा नहीं पड़ता, इसलिए कपड़े बनाकर आमदनी बढ़ाते हैं। तो बच्चों के ये सारे कपड़े तुमने बनाए? बेटी भी मदद करती है, पहले मैं हाथ से सिलती थी, फिर सरकारी स्कूल जाकर मैंने सिलाई मशीन सीख ली, उसके बाद बेटी को भी सिखाया। वहाँ बहुत कुछ सिखाते हैं, और क्या पूछना है, कुछ लेना है तो बोलो। हाँ हाँ पहले जरा मेला घूम के आते हैं, चलो चलो वापस। सीता मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। मुझे मालूम है बात क्या है। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि वही बात मेरे दिमाग में भी घूम रही है। अच्छा तो तुम बताओ क्या बात है। नहीं पहले तुम बताओ। मैं बताऊं? तुम दोनों ये सोचो कि हम भी बच्चों के कपड़े बनाकर बेच सकते है ना। अरे वाह नंदा तू तो समझदार हो गई है। सीता ये ठीक कह रही है ना? हाँ जी मैं भी यही सोच रही हूँ, क्या हम वो धंधा शुरू नहीं कर सकते? मैं भी तो यही सोच रहा था कि अगर वो औरत कर सकती है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तुम एक काम करो सरकारी स्कूल का पता करो। गुरु जी को मालूम होगा, वैसे तो मैं कपड़ा बना लेती हूँ लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं, इसलिए स्कूल में सीख लेना ठीक होगा। हाँ देखो बच्चों के कपड़े सिलकर हमें भी कुछ कमाई हो जाएगी और नंदा की पढ़ाई का खर्चा भी निकल आएगा। हाँ। तुम मुझे आगे पढ़ाओगे ना? हाँ हाँ बेटे बिल्कुल पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। रामू और कुछ खाएगा? नहीं मेरा पेट भर गया है। अच्छा आओ मोहन आओ, बच्चों को घुमा लाए। हाँ गुरु जी उनको मजा आया वहाँ? गुरु जी बच्चे बहुत खुश हुए। लेकिन गुरु जी आपकी वो बात कि नंदा की पढ़ाई बंद मत करना पूरे वक्त खटकती रही, इसमें तो तुम्हारी बेटी की भलाई की बात है, इसमें खटकने वाली कौन सी बात है भला? गुरु जी आप तो जानते ही हैं कि पैसों की कमी की वजह से नंदा को आगे पढ़ाना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है, यही बात मुझे खटक रही थी। लेकिन अचानक मुझे इस उलझन को सुलझाने का रास्ता मिल गया गुरु जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई कौन सा रास्ता मिल गया हमें भी तो बताओ। वही बताने और पूछने तो मैं आया हूँ गुरु जी। देखिए हमें एक औरत मिली जो बच्चों के कपड़े बेच रही थी, तो सिलाई उसने अपने हाथों से की थी, तो मेरी घरवाली भी कपड़े सीती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी बच्चों के कपड़े सिलकर बेचें। क्यों नहीं, कोई भी सीख ले तो बना सकता है, सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोला है ना, वहीं पर सब सिखाते हैं। वही वही वो औरत भी यही कह रही थी कि किसी सरकारी स्कूल में सीखी है, तो सीता ने कहा कि जाओ जाकर गुरु जी से पूछ कर आओ, तो उसी स्कूल का पता पूछने मैं आया हूँ। अरे भाई वो बगल के गाँव काशीपुर में ही है, जाओ नंदा की माँ का नाम लिखवा दो, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। गुरु जी स्कूल में खर्चा भी लगेगा? अरे नहीं भाई बिल्कुल नहीं, अनपढ़ लोगों को पढ़ाने के लिए सरकार ने गांव गांव में स्कूल खोल रखे हैं। मतलब पढ़ाई करनी होगी? अरे नहीं भाई सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, बहुत सारे हुनर सिखाते हैं, तुम भी जाकर कुछ सीख लो और कमाओ खाओ। जी गुरु जी जाओ। सीता सीता क्या है? चलो काशीपुर होकर आते हैं। काशीपुर क्यों? अरे तुम्हारे काम सीखने का स्कूल है वहाँ, गुरुजी ने सब कुछ बता दिया,
क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, सब कुछ तुम भी वहीं कुछ सीख लेना। क्या तुमने ये पता लगाया कि पैसा कितना लगेगा? अरे भगवान, वहाँ पैसे वैसे नहीं लगते, सरकारी स्कूल है। अच्छा हाँ। नंदा, नंदा बेटे अपने भाइयों का ख्याल रखना, हम लोग काशीपुर होकर आते हैं। वहाँ क्या है? अरे वहाँ तुम्हारी माँ स्कूल में पढ़ाई सीखेगी, कपड़े सिलने का काम सीखेगी, समझी? चलो चलो जल्दी अभी आई। देखो बेटी, तुम्हारी माँ सीखेगी तो हमें पैसे मिलेंगे ना ज्यादा तुम्हारे स्कूल के लिए। चलो चलो जल्दी चलो। ये लो प्रसाद, और ये भी लो। मिला तो मुझे है लेकिन हक तुम्हारा है। क्या है? मेरे पहले काम का इनाम है, और वहां सारे लोग मेरे काम की बहुत तारीफ कर रहे थे। सच? हाँ। हे भगवान, तूने हमारी सुन ली। सीता सीता, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज, मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है बाबा, आज आप बहुत खुश है? अरे खुशी की तो बात है बेटी, देख तेरी माँ को पहला इनाम मिला है। पढ़ पढ़ पढ़, इसमें क्या लिखा है पढ़। माँ तूने कमाल कर दिया, तूने और तेरे बाबा ने मुझे ये सब करने दिया है तब ना। ये ले प्रशांत, मैं मंदिर गई थी। अच्छा क्या बाबा, तुमने हमें पढ़ाया, जा वा रा जो माने करके दिखाया, अब तुम्हारी बारी है। ठीक कहती है नंदा, मैं पढ़ाई में पूरा ध्यान दे सकूं इसलिए तुम रोज का काम अकेले ही संभालते रहे। अब मैं काम संभालूंगी और तुम पढ़ाई करोगे। अरे तुम मुझे स्कूल जाने की क्या जरूरत है? देखो तुमने सीख लिया ना, अब तुम मुझे सिखा देना, एक से दो भर, बस। दो नहीं, तीन। हाँ देखो, अगर तुम दोनों मेरे साथ काम करोगे तो बड़े आसानी से हुनर सीख जाओगे। मैंने अब सोच लिया है, कल तुम दोनों बाप बेटे मेरे साथ चलोगे। तुम्हें पता है वहाँ पढ़ाई के साथ साथ कसीदा भी सिखाते हैं। तुम पढ़ाई करोगे और नंदा स्कूल के बाद कसीदा सीखेगी। शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा, शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा, अक्षर अक्षर ज्योत जले मन को देता उजियारा। शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा। सा समय के चलना सीखो, आज से लिखना पढ़ना सीखो, आज से लिखना पढ़ना।
होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान। होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान। जो भी जागे तभी सवेरा, नहीं अंधेरे में अब रहना, नहीं अंधेरे में अब रहना। नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह। वाह मोहन बा, अब तक तो सिर्फ सुना था, आज अपनी आंखों से देख लिया। मुझे इस बात की खुशी हुई कि तुम तरक्की कर रहे हो, और उससे भी ज्यादा इस बात की खुशी हुई कि तुम अपना एक स्कूल चला रहे हो। गुरुजी, आपसे रास्ता पूछा था इसीलिए सही रास्ते पे गए। सीता, गुरुजी आए हैं, कुछ शरबत पानी पिलाएं। आपको नंदा से एक संदेश भेजा था, उसने बताया नहीं? बताया तो था, और मैं आने वाला भी था। अच्छा, ये देखिए गुरुजी, नंदा के हाथों का कमाल देखिए, सुंदर है ना? अरे वाह, सचमुच ये कमाल है। मोहन, जब से तुम्हारी बेटी नंदा को एहसास हो गया है कि तुम उसकी पढ़ाई नहीं छुड़ाओगे, तब से उसका मन काम में भी लगने लगा है और पढ़ाई में भी। हाँ गुरुजी, वो तो स्कूल से आते ही कसीदे के काम में लग जाती है। वो सदर बाजार में करीम भाई की दुकान है ना, वहां से तो कसीदेकारी का ऑर्डर भी मिलने लगा है। मोहन, जो मेहनत करता है ऊपर वाला उसी के साथ देता है, और तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बच्ची, ये सब मिलकर तुम्हारी चिंता दूर कर दी। चिंता तो इनको अभी भी है गुरुजी। अब किस बात की चिंता है? नया माल लाने की, ऑर्डर का माल पहुंचाने की, और नया ऑर्डर लाने की, सारी चिंता तो इन्हीं के सर पर है। ये चिंता नहीं है बहन, ये जिम्मेदारी है। भगवान करे आप लोग इसी तरह तरक्की करते रहे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सूती साड़ियां लिख ले बेटा। और ये सिल्क की साड़ियां हैं तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख लें। और फ्रॉक, फ्रॉक 1, 2, 3, 4, 5 फ्रॉक लिख बेटा। कुल कितने हुए? 35। नंदा बेटे, हाँ, बाबा ये लो 10 साड़ियां। अच्छा। करीम भाई को गिनकर दे देना, बाकी 5 साड़ियां 2 दिन के बाद पहुंचा दूंगी। अच्छा, वो साड़ियों का ऑर्डर मिले तो ले लूं? नहीं, मैं ले आऊंगी। समझना पड़ेगा ना कौन सी साड़ी में कैसी कशीदाकारी करनी है, उन्हें बता देना, मैं आ जाऊंगी। कुल कितने ड्रेस हुए? 35। ये देखो लिस्ट। ये रहे। ठीक है, मैं ले जाऊंगी, तुम बाकी सामान पहुंचा देना। लेकिन मैं तो जा ही रहा हूँ, और करीम भाई की दुकान पे साड़ी भी पहुंचानी है, तो वहीं से मैडम को ऑर्डर भी दे दूंगा। अरे हाँ, करीम भाई कह रहे थे कि और एक कपड़ों की दुकान है, उनसे भी ऑर्डर मिल सकता है। नहीं, ये काम तेरे बाबा का है। सुनो जी, करीम भाई से पता लेकर बात करके आना, ऑर्डर बढ़ेगा तो कमाई भी तो बढ़ेगी। अरे अरे, क्या बात है, आज सब जल्दी आ गए? हाँ बा, हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई। बा, हमारे स्कूल में आरत मेला लगने वाला। कब? रविवार को। हम तैयारी आज से ही करेंगे। तो तुम सब लोग जाकर घूम आना। नहीं माँ, हम घूमेंगे नहीं, वहाँ हम दुकान लगाएंगे। दुकान? हाँ माँ, गुरुजी ने कहा है बाबा को आनंद मेले में एक दुकान लेने को। तालुका के सभी स्कूल भाग लेंगे। क्या होता है उस मेले में? जो और मेले में होता है। ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी, वो गुरुजी से बात कर लेंगे। बा, दस्तकारी की प्रतियोगिता भी वहाँ होती है, सभी स्कूल के बच्चे वहाँ भाग लेते हैं। तुम्हारे बाबा सब पता कर लेंगे। अब जाओ जाओ, चल कर खाना खा लो। जाओ, मेरे को भूख नहीं थी। क्यों? मुझे खाना दो। क्यों?
तू आज स्कूल में मार नहीं खाया? नहीं, जू ने मार खाया। कसीदा का साड़ी लाया है? हाँ, करीब भाई ने दिए थे, कहा जितना कर सकते हो ले जाओ, अभी के लिए इतना ही काफी है। और फिर कारीगर कहाँ मिलता है बेटा? कारीगर तो तैयार करना पड़ता है ना। माँ तू फिक्र मत कर, मैं सिखा दूंगी। मुझे फिक्र काहे का बेटा, तुझे नहीं दिख रहा है तेरे सामने एक और कारीगर तैयार हो गया है? देख रही हूँ, फिर बच्चे के फ्रॉक कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। क्या बात है बाबा, आज बहुत खुश हो? हाँ बेटे, बस खुशी ही खुशी है। बैठ बैठ। क्या बात है? अरे नंदा की माँ, नया ऑर्डर लेकर आया। कशीदाकारी का या फ्रॉक का? फ्रॉकों का। वो करीम भाई की दुकान है ना, वो कपड़ों के व्यापारी जो है, वो दोस्त उनका, तो उनसे मिला था। बहुत बड़ी दुकान है उनकी। तो कमाल की बात ये हो गई कि हमारे पहुंचने से पहले तुम्हारे कपड़ों की तारीफ वहां पहुंच गई। सच? कैसे? अरे करीम भाई के यहाँ देख कर गए थे ना, मैंने पूछा कि नमूने के लिए कुछ ड्रेसेस लेकर आऊं, तो उन्होंने कहा कि भाई करीम भाई ने बोल दिया, तो मैंने देख लिया। नमूने का नहीं बल्कि ऑर्डर के ड्रेसेस लेकर आओ। हफ्ते में कम से कम 100 से 75 फ्रॉक और 25 शर्ट। भगवान की कृपा है, पहले हम काम के लिए तरसते थे और अब हमारे पास काम ही काम है। पता है आज एडवांस मिला है। दिखाओ। दिखाता हूँ भाई, दिखाता हूँ। बस बस पसंद आया? तुम्हारी पसंद मुझे हमेशा पसंद है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अपने लिए या बच्चों के लिए कुछ ले आते। चलो चलो बच्चे, जाओ जाओ, सब जाके खाना खा लो। चलो चलो चलो। जरा सोचो, पहले ये सोचना भी मेरे लिए सपने की बात थी, लेकिन आज तुम्हारी बदौलत मेरा ये सपना सच हो गया। ये सब नसीब की बात है। नहीं, सिर्फ नसीब नहीं, अगर सही फैसला, सही कोशिश और सही रास्ता सामने हो तो आगे बढ़ने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, और यही नसीब है। सही फैसला तो है ही, लेकिन सही मौका भी तो चाहिए जी। मुझे तो बहुत खुशी है, वो बड़ों को पढ़ाने वाला सरकारी स्कूल हमारा बहुत काम आया। ओह, स्कूल से याद आया। क्या? नंदा कह रही थी कि उसके स्कूल में कोई मेला लगने वाला है और गुरुजी ने संदेशा भेजा है कि हम भी वहाँ दुकान लगाए। हाँ पता है, मैं सब मालूम कर आया। स्कूल के विद्यार्थियों का दस्तकारी का सामान रह सकता है और कोई भी सामान रह सकता है, और प्रतियोगिता के आखिर में इनाम भी दिया जाएगा। हमारे भी वहाँ दुकान रहेगी? बिल्कुल रहेगी। भाइयों और बहनों, कृपया शांत होकर ध्यान दें। निर्णायकों ने मेले में प्रस्तुत सभी दस्तकारी की वस्तुओं का निरीक्षण और परीक्षण कर अपना निर्णय दे दिया है। आप अपने स्टॉल पर ही रहें, जिन्हें इनाम मिला है हम खुद उनके स्टॉल पर उनका इनाम लेकर आएंगे। अब सुनिए नतीजा। सबसे पहला इनाम मिला है सबसे बेहतरीन स्टॉल और दस्तकारी की सर्वोत्तम कृति के लिए। एक साथ 3 तरह के हुनर वाली उस प्रतिभाशील लड़की को जिसने बच्चों के कपड़ों की सिलाई में और कशीदाकारी के निर्माण में अपना कमाल दिखाया है, नंदा कुमारी, जो इसी स्कूल की छात्रा है। नंदा, सीखो सा समय के चलना, सीखो आज से लिखना पढ़ना, हाँ सीखो आज से लिखना पढ़ना। होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान, होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान। जो भी जागे तभी सवेरा, नहीं अंधेरे में अब रहना, नहीं अंधेरे में अब रहना।